आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जेल और आसपास इलाके से मांगी गई रंगदारी पर सतर्क जिला प्रशासन ने जेल के भीतर की छापेमारी, हुई सघन तलाशी। नेपाली नदियों और पूर्वांचल के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से गोरखपुर के राप्ती और रोहिन का बढ़ा जलस्तर, लोग बाग घर छोड़ने को हुए मजबूर। रक्षाबंधन के मौके पर इस बार भी प्रदेश की महिलाओं को परिवहन विभाग द्वारा मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। खतरनाक अपराधियों को गोरखपुर जोन पुलिस ऑपरेशन सिकंजा के माध्यम से पहुंचाएगी सलाखों के पीछे। ट्रकों में रखे पांव माइल की चोरी करने और मंदिर से मुकुट चुराने वाले गिरोह का गोरखपुर की कोतवाली पुलिस ने किया भंडाफोड़। आजमगढ़ पुलिस ने एक मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश अगदस उर्फ पप्पू को किया गिरफ्तार। गोरखपुर जनपद के मंडली कारागार में बीते बुधवार की देर शाम अचानक डीएम, एसएसपी सहित एडीएम सिटी, एसपी सिटी के अलावा जनपद के क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम ने भारी फोर्स के साथ जेल में छापेमारी कर कैदियों के बैरकों के साथ साथ जेल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। अचानक हुई इस छापेमारी से जेल में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक बांसगांव थाना क्षेत्र स्थित कौड़ीराम के मिठाई कारोबारी स्वदेश मिश्रा से 15 अगस्त को फोन कर 20 लाख रुपए की रंगदारी जिला जेल से मांगी गई थी। जिस नंबर से व्यापारी को फोन आया था, सर्विलांस पर उसका लोकेशन जेल के पास स्थित मैत्रीपुरम रहा था, जबकि फोन कर रंगदारी मांगने वाले ने खुद को जेल बंद 6 हत्या के आरोपी शातिर बदमाश सन्नी सिंह का भाई टीका सिंह बताया था। इस मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार की शाम जेल में भारी पुलिस फोर्स के साथ छापा मारकर सघन तलाशी लेने के साथ ही कैदियों से भी पूछताछ किया गया। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में और पूर्वांचल के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की वजह से बीते 3-4 दिनों से गोरखपुर जनपद से होकर गुजरने वाली नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राप्ती और रोहिणी नदी के किनारे बसे गाँवों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से यहाँ के लोग महानगर के बहरामपुर में किराए पर मकान लेकर रहने को मजबूर हो गए हैं। अब जानकारी के मुताबिक रोहिणी नदी खतरे के निशान से 1.11 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते सदर, सहजनवा व कैंपियरगंज तहसील के कई गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सदर तहसील क्षेत्र का 1 व सहजनवा तहसील क्षेत्र के 6 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी गांवों में नाव लगा दी गई है, तो वहीं राप्ती नदी भी खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से गोला तहसील के बहरगंज ब्लॉक का कचरांचल क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है। जो ये बनी हुई है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बहुत दिक्कतें हो रही हैं सबको आने जाने में, नाव से आ जा रहे हैं सब। पानी तो बढ़ रहा है, बहुत तेज बढ़ रहा है पानी, बहुत तेज बढ़ रहा है। ये जो पानी यहाँ पे कौन से कहाँ से आया है? ये राप्ती नदी का पानी है। कितने घर इधर रहते हैं? अरे कम से कम होंगे आपके 500 गांव। 500 गांव होंगे, हाँ, सब मिला जुला के। और घरों में पानी सबके घुस गया है? सबके डूब गया है। अच्छा ये बताइए, अभी आप कुछ ली सामान में ली हैं, कहाँ जा रहे हैं? जाते हैं घर, पानी हल्के पानी हल्के। क्या दिक्कत है उधर? का दिक्कत है वहाँ जो एकदम पानी भर गए बा। आज जो इस सड़क पे पानी था, आज नहीं पहले पानी है, परसों पानी है, आज ज्यादा बढ़ा है। रीता। उत्तर प्रदेश सरकार का महिलाओं के प्रति रवैया बेहद सरल और उदारतापूर्ण है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार चौथे वर्ष भी रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें राखियां बांधने के लिए अपने भाइयों तक पहुंचने में कोई रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा। सरकार ने पूरे 24 घंटे के लिए प्रदेश की महिलाओं को रोडवेज बस से मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। इस बार भी रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा का मौका मिलेगा।
इस संबंध में एआरएम महेंद्र पांडे ने बताया कि आगामी 22 अगस्त को पड़ने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार के मद्देनज़र विभाग द्वारा अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 21 अगस्त की 12 बजे रात से 22 अगस्त की आधी रात तक महिलाओं के लिए सभी जगह की बसों में मुफ्त यात्रा होगी। गोरखपुर से क्या पहल की जा रही है? गोरखपुर ही नहीं पूरे स्टेट में शासन सत्ता की मंशा यही है कि 24 घंटे हम माताओं और बहनों फ्री में यात्रा करें। यह 22 को रक्षाबंधन है, 21 के 12 बजे रात्रि से लागू होगा और 22 के 12 बजे रात्रि को ये 24 घंटे। ज़्यादातर मामलों में प्रभावी कार्रवाई न होने पर अपराधियों को आसानी से जमानत मिल जाती है और पेशेवर अपराधी भी जमानत पर छूट जाते हैं, लेकिन अब पेशेवर अपराधियों के लिए गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार ने एक नई पहल शुरू की है जिसे ऑपरेशन सिकंजा का नाम दिया गया है, जिसके तहत पेशेवर और गंभीर अपराधों में निरुद्ध अपराधी आसानी से सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ सकेंगे। इस संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि ऑपरेशन सिकंजा के तहत पुलिस मामलों को दमदारी से रखेगी और गंभीर मामलों के अपराधियों के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, ऑपरेशन सिकंजा के तहत में जो सनसनीखेज अपराधों में लिप्त अपराधी हैं, उसके साथ साथ ऐसे अपराध जो बड़े जघन्य श्रेणी में आते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों की बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर देना, गैंग रेप, बड़े अपराधी, माफिया, ये जो अपराध करते हैं इससे समाज में भय व्याप्त होता है। ऐसे अपराधों में हम कैसे इनको सजा दिला सकें, प्रभावी पैरवी कर सकें कोर्ट में, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मामलों में पाया जाता है कि पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करके विवेचनाएं पूर्ण करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है और उसके बाद प्रभावी पैरवी नहीं कर पाती है, नहीं करती। इस कारण ये अपराधी उसका लाभ उठाते हैं, गवाहों को तोड़ते हैं, समय का अभाव प्रयोग करके किसी तरह छूटने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग का प्रयास है ऑपरेशन सिकंजा में कि ऐसे प्रमुख अपराध जो जनपदों में घटित हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उनको चिन्हित कर लें और हर ऐसे अपराध पे एक नोडल ऑफिसर रहेगा जो उसकी प्रभावी पैरवी कोर्ट में करेगा, ताकि जो शिकंजा है पूर्ण रूप से हो जाए। वो अपराध अगर अपराधी करता है तो उसको हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पूरा कराते हुए कम समय में सजा दिला सके। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा चेतना तिराहे से कैंडल मार्च और मौन जुलूस निकाला गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा जिला प्रशासन से विश्वविद्यालय में छात्रा प्रियंका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की निष्पक्ष जांच और ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश की हत्या के मामले में हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रियंका की हत्या की गई है और पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। ऐसा है, देखिए कि ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा कलंक है और यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की वारदात गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और ये बिल्कुल ये हत्या करके आत्महत्या का रूप दिया गया है। जो परिस्थितियाँ हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी हत्या की गई है और उसको आत्महत्या के रूप में उसको दिखाया जा रहा है। यानी आप लोग चाहते हैं कि हत्या का मामला दर्ज करो और जांच? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हत्या का मामला दर्ज हो और दोषी लोगों को उसमें ऐसे ही जो है अनीश के मामले में भी किया जाए। अनीश का मामला जो है वो भी ऐसा ही है, दिन दहाड़े हत्या खुले बाजार में। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, फार्मर डीन एंड हेड ऑफ लॉ डिपार्टमेंट गोरखपुर यूनिवर्सिटी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में जनपद की पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश अकदस उर्फ पप्पू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के बलरियागंज और रौनापार पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध प्रवृत्ति के युवक किसी घटना को अंजाम देने के लिए गौरैया बाजार की तरफ जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस टीम ने गौरैया बाजार में चेकिंग शुरू कर दी। मोटरसाइकिल सवार को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगे। वहीं पुलिस के जवाबी कार्यवाही में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसकी पहचान 25,000 का इनामिया अकदस उर्फ पप्पू के रूप में हुई।
जो निजामाबाद थाना क्षेत्र के दाऊदपुर का रहने वाला है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, काउंटर फायरिंग में बदमाश की टांग में गोली लगी और उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया। बदमाश का की पहचान 1-10 के रूप में हुई है। यह एक शातिर हत्यारा लुटेरा बदमाश है। इसके द्वारा थाना गंभीरपुर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक मोटरसाइकिल मोबाइल लूटा गया था और उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व में मेरे द्वारा घोषित किया गया था। इसके बाद से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। गोरखपुर जनपद की पुलिस ने ट्रकों से पाम ऑयल चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों और मंदिर से मुकुट चुराने वाले एक अभियुक्त को जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के तरंग ओवरब्रिज के नीचे और अलीनगर चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान गोरखपुर जनपद के गीडा थाना क्षेत्र स्थित बोक्ता के रहने वाले हिमांशु निषाद और महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना क्षेत्र स्थित महुआ शुक्ल गांव के रहने वाले रोशन गुप्ता के रूप में हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक मारुति कार सहित 20 कार्टून रिफाइंड ऑयल और 9,900 रुपये नकदी बरामद किया गया है। तो वहीं मंदिर से मुकुट चोरी करने वाले अभियुक्त की पहचान महाराजगंज जनपद स्थित ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले संतोष वर्मा के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस द्वारा चोरी किया गया एक चांदी का मुकुट बरामद किया गया है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन तीनों अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। थाना कोतवाली में 2 घटनाओं का खुलासा किया गया है। एक घटना हुई थी जिसमें एक ट्रक में से पाम ऑयल के कार्टन जो है उसको चोरी कर लिया गया था। उस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 183/31, धारा 379 और 411 पंजीकृत किया गया था। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तरंग ओवरब्रिज के नीचे से इन्होंने गिरफ्तार किया गया है आज 8:15 पर। ये हिमांशु निषाद हैं और रोशन गुप्ता हैं और इनके पास से हमें मारुति वैन, 10 कार्टून पाम रिफाइन और 4800 कैश बरामद किया गया है। हिमांशु निषाद की तरफ से बरामद किया गया और रोशन गुप्ता के पास से 10 कार्टून पाम रिफाइन ऑयल और 5100 रुपये नकद बरामद किया। आपराधिक रिकॉर्ड भी है इनका, आपराधिक इतिहास भी रहा है। पहले भी इन पर चोरी के मुकदमे भी लिखे गए हैं इन दोनों के ऊपर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिमांशु निषाद पे गैंगस्टर की भी कभी मुकदमा पंजीकृत है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना अपने 2 दिवसीय दौरे पर बीते बुधवार को गोरखपुर पहुंचे। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय परिसर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की रेलवे कॉलोनी शाखा पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन शाखा परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हम शाखा सौंदर्यीकरण, शिकायत निवारण और ग्राहक सेवा संपन्नता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि ग्राहकों को खुशनुमा माहौल में बेहतरीन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, सबसे ज़्यादा ATMs हैं, सबसे ज़्यादा CSPs हैं, तो नेटवर्क इतना बड़ा है। और अगर आप देखें, हर वर्ष जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है, स्वनिधि को ही देख लें, स्वनिधि स्कीम के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया है उसकी सराहना स्टेट गवर्नमेंट ने भी की है। तो हम हर स्कीम के अंदर जो भी सरकार लेकर आती है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के आह्वान पर आज दूसरे दिन भी गोरखपुर जनपद के नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और कर्मचारियों ने अपनी लंबी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों और कार्यकर्त्रियों ने अपनी मांग को दोहराते हुए प्रदेश सरकार से मांग किया कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन 18,000 और सहायिकाओं को 9,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर प्रदेश सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उनका प्रदर्शन और उग्र होगा।
जब यहाँ सांसद के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे तो हमारे इसी तरह के एक धरने में वो 2016 में आए और मंच पर कहे कि अगर हमारी सरकार बनती है आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारी सरकार बनती है तो हम आप सब लोगों को सम्मानजनक मानदेय देने का कार्य करेंगे और आपकी सेवा शर्तों में सुधार करने का काम करेंगे। आज उनके कार्यकाल के 4.5 वर्ष पूरे बीत चुके लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया। इन 4.5 वर्षों के बीच में हमारे संगठन के द्वारा कई बार उनके साथ वार्ता हुई, सौहार्दपूर्वक वार्ता भी हुई। वार्ता में उन्होंने कहा भी कि आप लोगों के मानदेय को वाकई में बढ़ाना चाहिए और बढ़ाया जाएगा और 8,000 से 10,000 रुपये के बीच शीघ्र ही आप लोगों को प्रतिमाह दिया जाएगा, लेकिन वो मादे से मुकर गए। उसके बाद पुनः हम लोगों ने एक दिन की चेतावनी दी और यहाँ पर 5 फरवरी 2018 को हम लोगों ने एक आंदोलन किया, जिसके बाद फिर उनके साथ हमारी वार्ता हुई। वार्ता में उन्होंने 22 फरवरी 2018 को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब लोगों को प्रतिमाह 1500 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन आज तक वो बढ़ोतरी किसी को नहीं मिली। DPI की गाइडलाइन के अनुसार बकाया वेतन मान सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज खाद कारखाना विस्थापित किसान मजदूर यूनियन द्वारा आम सभा का आयोजन फर्टिलाइजर के प्रशासनिक भवन पर किया गया। इस मौके पर यूनियन के लोगों ने एक ज्ञापन भी अपर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। सभा के दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने फर्टिलाइजर प्रशासन पर कर्मचारियों को निकालने की साजिश का आरोप भी लगाया। ये आम सभा के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक भी आदमी को यहाँ से निकालने की कोशिश की गई तो हम लोग यहाँ पर खून खराबा करेंगे, यहाँ बवाल करेंगे और बच्चा जच्चा के साथ ले करके हम लोग यहाँ स्थानीय मैनेजमेंट का घेराव करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो जिलाधिकारी और कमिश्नर का भी घेराव करेंगे। और तीसरी मांग यह है कि यहाँ के जो स्थानीय जो 9 कर्मचारी BSS नहीं भरे थे उन्हें जबरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया था, आज वो भूखों मर रहे हैं, उनका परिवार सड़क पर आ गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की PGT की परीक्षा आज 2 पारियों में जनपद के विभिन्न केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 5,804 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पहली पारी में 6 परीक्षा केंद्र जबकि दूसरी में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा संपन्न होने पर अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा काफ़ी अच्छी रही और परीक्षा के दौरान कोविड नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया गया। PGT की परीक्षा थी, मैं संस्कृत विषय का अभ्यर्थी था और मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई, पेपर कुल मिला के बहुत अच्छा आया। कुल मिला के कहा जाए तो कोरोना काल में जिस तरह से परीक्षा के ली जा रही है कैसा चल रहा है, मतलब मेंटेन किया जा रहा है जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो नियम है, जितने भी प्रोटोकॉल है सबका पालन हो रहा है और कमरे में भी बकायदा सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था है और अभ्यर्थियों को भी यह निर्देश दिया गया था कि आप मास्क लगा करके और सैनिटाइजर लेकर के आए। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें आप अमेज़नाओ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।